हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक बॉक्स कम्युनिकेशंस। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं करने जा रहा हूँ दिशा पब्लिकेशन के लास्ट 25 इयर्स यूपीएससी आईएएस आईपीएस प्रीलिम्स टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स का रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि क्या ये क्वेश्चन बैंक आपकी प्रिपरेशन के दौरान एक इफेक्टिव रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स रहते हैं वो काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि किस टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है तो किस टॉपिक पर कम। ऐसे में ये क्वेश्चन बैंक आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। आपको आइडिया लग जाता है कि यूपीएससी किस टॉपिक से या फिर किस क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। इस क्वेश्चन बैंक में टोटल आपको 9 यूनिट्स मिलती है। यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ इसमें जो यूपीएससी मेन का एसए वाला पेपर रहता है उसमें 1993 से 2018 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो आपको कवर किए मिलेंगे अनसॉल्व फॉर्म में। साथ साथ 2013 से 2018 के बीच में जो भी क्वेश्चंस बने हैं जनरल स्टडीज के पेपर में वो भी आपको कवर किए मिलेंगे इन अनसॉल्व फॉर्म। इसमें आपको एक एनालिटिकल अप्रोच मिलेगा जिसके थ्रू आप यूपीएससी प्रीलिम्स या फिर मेंस को इजीली क्रैक कर सकते हो। ये जो अप्रोच है वो मृणाल पटेल ने पेश किया है, जो कि एक जाने माने यूट्यूबर है और एक टीचर है जो काफी लंबे समय से हमको अपना गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम खुद ही देखते हैं इस बुक के कंटेंट को और पता करते हैं कि ये बुक कैसी रहती है। वैसे अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन बैंक या फिर ये बुक आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं। एमआरपी है इस बुक की ₹525 और डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी जिसके थ्रू आप इस बुक को डिस्काउंटेड प्राइस पर बाय कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बुक के कंटेंट को बारीकी से। तो ये है इस बुक का कंटेंट्स। स्टार्टिंग में आपको एनालिटिक का अप्रोच मिलेगा जिससे आप पता कर सकते हो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को क्रैक करने की टिप्स एंड ट्रिक्स क्या रहती हैं। फिर अप्रोचिंग इकोनॉमी फॉर यूपीएससी 2020 यूनिट 8 डील्स विद हिस्ट्री, जिसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चंस बने हैं लास्ट 25 इयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स में वो कवर किए मिलेंगे। वेल यूनिट बी डील्स विद ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर जैसे टॉपिक शामिल हैं। यूनिट सी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन बोथ एट इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल, पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, जुडिशरी एंड लीगल राइट्स इशूज एक्सेट्रा। यूनिट डी में आपको स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, डेमोग्राफिक्स, पॉवर्टी प्लानिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड द नेशनल इकोनॉमी, इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, द टर्शियरी सेक्टर एंड द इंडियन इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स कवर किए मिलेंगे। वेल यूनिट ई डील्स विद जनरल साइंसेज, में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इशूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स से क्वेश्चंस कवर किए मिलेंगे जो लास्ट 25 ईयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स में आ चुके हैं। फिर यूनिट एफ में आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे और जो लास्ट 25 इयर्स में आए हैं, और बेसिकली अब ये जो सी सेट का पेपर होता है उसके क्वेश्चंस आपको यूनिट एफ में कवर किए मिलेंगे। यूनिट जी में आपको वर्ल्ड पैनोरामा, इंडियन पैनोरामा और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के टॉपिक्स मिलेंगे। यूनिट एच में आपको इंटरनेशनल, नेशनल और स्पोर्ट्स एंड गेम्स के कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे। यूनिट आई में आपको एसेस मिलेंगे टॉपिक वाइज लास्ट 25 इयर्स फ्रॉम 1993 टू 2017 और टॉपिक वाइज मेन जनरल स्टडीज पेपर मिलेंगे फ्रॉम 2013 टू 2016। ये प्रीफेस है तो हम सबसे पहले पहली यूनिट को देख लेते हैं। उससे पहले आपको एक एनालिटिक अप्रोच मिलता है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में आपको ये बताया जाएगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस होता क्या है, नेसेसरी डिटेल्स आपको मिलेंगी कि मिनिमम एज एंड अटेम्प्ट लिमिट, अकेडमिक क्वालिफिकेशन और भी काफ़ी सारी डिटेल्स जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टेजेस फॉर यूपीएससी, फिर स्ट्रेटेजी फॉर प्रीलिम्स पेपर वन। ये सब जो स्ट्रेटेजीज और टिप्स एंड ट्रिक्स टेक्निक्स हैं ये मृणाल पटेल ने पेश किए हैं, जो कि एक जाने माने यूट्यूबर है। आपको ये प्रिपरेशन टिप्स फॉर पेपर टू, एप्टीट्यूड यानी कि जो सी सेट वाला पेपर होता है, फिर सिलेबस ऑफ मेन्स एग्जामिनेशन, जितने भी स्टेजेस रहती हैं चाहे वो मेन्स हो, प्रीलिम्स हो, इंटरव्यू हो, उसके बारे में आपको कंप्लीट ओवरव्यू दिया जाएगा। फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, जो कि 275 मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस को कैसे क्रैक कर सकते हो और कितनी स्टेजेस में क्रैक कर सकते हो। ये अप्रोचिंग इकोनॉमी फॉर यूपीएससी 2020, प्रिपरेशन सोर्सेज फॉर इकोनॉमी, ये सब मृणाल पटेल ने ही आपके लिए पेश किया है। फिर यूनिट ए है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस मिलेंगे और सिक्वेंशियल फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन 1995 में आया है वो सबसे पहले मिलेगा और जो क्वेश्चन 2018 या 2019 में आया वो आपको लास्ट में मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये पहला क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद दैट इज इंडिया वाज फर्स्ट यूज बाय, चार ऑप्शंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन 1995 में आया है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाता है
कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी किस तरीके से कर सकते हो और किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, फिर किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आपको मोर देन 100 क्वेश्चन मिलेंगे, टोटल 120, और सभी क्वेश्चन के आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। फिर सेकंड पोर्शन है पहली यूनिट का मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री जो रहती है उससे जो क्वेश्चन बने हैं लास्ट 25 ईयर्स में यूपीएससी प्रीलिम्स में वो आपको कवर क्यों मिलेंगे। तो काफ़ी सही कंटेंट इस क्वेश्चन बैंक का रहता है। आप इस क्वेश्चन बैंक से आइडिया लगा सकते हो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर किस टॉपिक को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। काफ़ी मदद हो सकती है आपकी इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू। ये थर्ड सेक्शन है पहली यूनिट का मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में वो आपको कवर क्यों मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट से जो क्वेश्चन बनते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है फॉर बोथ यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मीन्स, वो कवर क्यों मिलेगा। इसमें आपको फ्रॉम 1995 टू 2019 क्वेश्चंस कवर किए मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस के आपको हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिलेंगे। समझना तो अनरीजनेबल रहेगा कि आप इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की। वजह यह है कि जो यूपीएससी का पेपर रहता है वो हर साल चेंज होता है, अनप्रेडिक्टेबल। आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस टॉपिक से या फिर किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस क्वेश्चन बैंक को आप तभी बाय करें जब आपको लगे कि आपको जानना है कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है। आप ये ना सोचें कि इस क्वेश्चन बैंक से आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रीलिम्स में या फिर सीसेट के पेपर में या फिर मेंस एग्जामिनेशंस में। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको ये बताने के लिए कि आखिर पैटर्न कैसा रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स का। फिर जनरल साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिजिक्स से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली जनरल साइंस से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, आपको ये टॉपिक तो कवर करना ही पड़ता है। ये थर्ड टॉपिक है जनरल साइंस के पोर्शन का बायोलॉजी। ये फोर्थ टॉपिक है जनरल साइंस के पोर्शन का इशूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो काफ़ी यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस बुक को बाय करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का पैटर्न जानने के लिए। ये फिफ्थ टॉपिक है जनरल साइंस की यूनिट का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो आपको कवर क्यों मिलेंगे। ये सिक्स्थ टॉपिक है रीजनिंग की यूनिट का डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सभी क्वेश्चंस आपको कवर क्यों मिलेंगे। आप ये ना सोचें कि कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा गया है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आया फ्रॉम 1995 टू 2019। ये जनरल नॉलेज की यूनिट है जिसमें आपको पहला टॉपिक मिलेगा वर्ल्ड पैनोरामा का। जितने भी क्वेश्चंस बने हैं लास्ट 25 ईयर्स में वो आपको कवर क्यों मिलेंगे। जनरल नॉलेज से सभी क्वेश्चंस के हिंट्स एंड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल कंटेंट इस बुक का काफ़ी अच्छा है, आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। आप अगर इसको सॉल्व कर लोगे तो आप काफ़ी कुछ एक्वायर कर सकते हो और इवेंचुअली आपको आइडिया लग जाएगा कि आप किस तरह से यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन बैंक से आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। फिर आपको यूपीएससी मेंस के लिए एसए की स्ट्रेटेजी और पास पेपर्स मिलेंगे। ये मृणाल पटेल ने पेश की है फ्रॉम 1993 टू 2018। एसए का सिलेबस मिलेगा स्टार्टिंग में, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और जो एसए के लिए प्रिपरेशन सोर्सेज रहनी चाहिए वो आपको इसमें बताई जाएंगी। एसए राइटिंग स्ट्रेटेजी, ये एसए लिस्ट मिलेगी जो लास्ट 26 ईयर्स में आ चुके हैं टॉपिक वाइज, जैसे इंडिया, डेमोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी एंड कल्चर से जो भी क्वेश्चंस बने हैं, टोटल 9 क्वेश्चंस बने हैं, वो आपको कवर क्यों मिलेंगे। और सभी क्वेश्चंस के आगे ये मेंशन क्यों मिलेगा कि ये किस ईयर में आया है। ये फिर फेडरलिज्म, डिसेंट्रलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, पॉवर्टी एंड सोशल जस्टिस, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, कोर्ट बेस्ड फिलोसफी, एथिक्स, इंटरनेशनल इशूज, इंटरनल सिक्योरिटी। फिर टॉपिक वाइज मेन जनरल स्टडीज पेपर मिलेंगे आपको। इस तरह से आप मेंस के जनरल स्टडीज पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो वो भी आपको बताया जाएगा। जैसे आपको कुछ बेसिक रूल्स मिलेंगे फॉर्मल इंग्लिश के जो आपको पता होने चाहिए बिफोर राइटिंग ऑफ एन एग्जाम। ये फिर हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ द आंसर, ये सब चीजें जो है ये मृणाल पटेल ने पेश की हैं। ये फिर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे आप ये देख सकते हो ब्लॉक वन हिस्ट्री, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, जो जो क्वेश्चंस बने हैं फ्रॉम 2013 टू 2019 वो आपको कवर क्यों मिलेंगे टॉपिक वाइज। इन सभी क्वेश्चंस के आपको सॉल्यूशंस नहीं मिलते, चाहे वो एसए वाले क्वेश्चंस हो या फिर जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। आपको लिखने का तरीका पता चल जाएगा कि आप इफेक्टिव तरीके से कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हो फॉर यूपीएससी जनरल स्टडीज एग्जाम्स। ये इकोनॉमी, बजट, इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ब्लॉक टू, एग्रीकल्चर, फूड क्रॉपिंग, इरीगेशन, तो काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इन क्वेश्चंस को अगर आप लगा लोगे तो आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जनरल स्टडीज पेपर के लिए। लेकिन आप ये ना समझें कि इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये भी चीज़ें सफिशियंट नहीं है, क्योंकि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पेपर्स रहते हैं वो कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। आप ये आइडिया ही नहीं लगा सकते कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसीलिए मैं आपको यही इंसिस्ट करूंगा कि आप सभी टॉपिक्स पर इक्वली
फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करें। वो बात अलग है कि आप सेलेक्टिव स्टडी करने में विश्वास रखते हो, लेकिन सेलेक्टिव स्टडी आप तभी करें जब आपके ऊपर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी हो जिसने प्रीवियस ईयर्स में UPSC एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हो। तो ओवरऑल ये बुक ठीक है, बस एक खामी इस बुक की ये लगती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। केवल 525 इस बुक की MRP है और आप इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर भी बाय कर सकते हो किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक एम्बेड कर दी है, आप वहां से भी जाकर इस क्वेश्चन बैंक को इस बुक को बाय कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस बुक के बारे में अच्छे से आइडिया लग गया होगा, आप जान गए होंगे कि ये क्वेश्चन बैंक कैसी रहती है। अगर आपको मदद मिली हो इस वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। चलिए मिलता हूं एक नेक्स्ट एपिसोड में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।